नमस्कार। अगर आपके या आपके परिवार में से किसी को भी ये दिक्कतें हैं, मोटापा, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, डिप्रेशन या खांसी, जुकाम, सांस की दिक्कत, ये देखिए बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है। अगर ये इन रोगों से आप अगर परेशान हैं तो उनको पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में 5 इंपॉर्टेंट चेंज करने होंगे, जिससे कि ये बीमारी लंबी बीमारियां भी रिवर्स हो सकती हैं। मेरा इस चीज़ में पक्का विश्वास है। वैसे मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने आयुर्वेद की भी नॉलेज ली है। तो उसमें क्या क्या इन दिक्कतों में खाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये बीमारियाँ बड़ी ईजिली रिवर्स हो सकती हैं। और अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करें, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। देखिए, इन बीमारियों में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुबह चार बजे से लेकर सात तक हमें बड़ा ही एक्टिव रहना होगा। बाहरी मैदानी खेल खेलें, व्यायाम करें, सैर करें, जो भी करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉक करना, उसके बाद हम जॉगिंग करना सीख सकते हैं और फिर हम रनिंग करना सीख सकते हैं, फिर ये दिक्कतें दूर होंगी। एक, योग में कंजूसी ना करें, लगभग 2 घंटे के लिए सुबह योग करें, और करना है सुबह 4:30-5 बजे का योग हमारे काम में आएगा। उसके बाद सूरज निकलने के बाद फिर ज़्यादा नहीं, जितना अर्ली मॉर्निंग में होगा तो अच्छा रहेगा। एक मालिश जरूर करें, खासकर इन रोगों में जो कफ रोग हैं, इनमें अगर सरसों के तेल से या नारियल के उससे जैतून के तेल से मालिश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम सूरज की रोशनी जरूर लें, डेली सूरज की रोशनी का अच्छा सा हमें लगभग 1-2 घंटे अगर सूरज की रोशनी डेली मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक, दिन में बिल्कुल ना सोएं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन में नहीं सोना हमें, अगर हमें इन सब रोगों से बचना है जो भी मैंने बताया आपको। बाकी तीसरा है कि अपने फूड में चेंज करें, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सफ़ेद रंग की चीज़ों से बचना पड़ेगा हमें। सफ़ेद रंग की चीज़ें कफ वर्धक होती हैं, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मैदा, ट्रांसफैट, चावल, दूध, दही, ये बहुत ज़्यादा ना लें, सीमित मात्रा में लें। नारियल ज़्यादा ना लें, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना लें, तरल पदार्थ वैसे जूसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा ना लें, पानी बहुत ज़्यादा ना पिए बार बार। केला है, सिंघाड़ा है, मूली है, खीरा है, इनका भी कम उपयोग करें। फ्रिज के पानी का उपयोग ना करें। इसके बदले में जो आपको लेना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हरी सब्जियाँ लें, बीन्स लें, हरी सब्जियाँ लें, बीन्स, पालक, मेथी, बथुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मटर है, मूंग की दाल है। अचार ना लें, उसके बदले में धनिया चटनी ले लें, मरबा की धनिया की चटनी ले लें। फलों का उपयोग कर लें, रंगीन फलों का, मिस्से आटे का उपयोग करें, ब्राउन राइस का उपयोग करें। जौ की रोटी बड़ी अच्छी रहेगी, जौ की रोटी, मिस्से आटे की रोटी बड़ी अच्छी रहेगी। और छाछ ले सकते हैं हम, दूध दही के बदले में छाछ ले सकते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं, इनका उपयोग कर लें। बाकी कुल्थी की दाल बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कुल्थी की दाल बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। फिर ये 3 चीज़ें, सौंठ, पिपली और काली मिर्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लौंग, इलायची का उपयोग करते हैं, जावित्री है और दूसरे मसाले जैसे तेज पत्ता, ये केसर, इनका उपयोग करते हैं। हल्दी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का उपयोग करके खान पान में बदलाव करके, फिर खाना बहुत ज़्यादा ना खाएं, बार बार ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। ज़्यादा फिश वगैरह भी ज़्यादा ना लें, ये ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइड कम्फर्ट जोन, VIP लाइफस्टाइल से बचना पड़ेगा हमें। हम बिल्कुल आराम परस जीवन ना जिए, जैसे दिन में सोना मना है, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए मोटरसाइकिल से जाना, कार से जाना, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को करनाल के सभी लोग जानते हैं कि मैं अक्सर सब्जी मंडी भी पैदल जाता हूँ, वॉक भी करता हूँ, मंदिर भी पैदल जाता हूँ। काफ़ी हद तक मेरे दिनचर्या में मैं गाड़ी यूज़ नहीं करता। बाकी एक ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उससे भी लाभ मिलेगा। और चेंज के लिए एक्सेप्ट करें, चेंज को लाइफस्टाइल में चेंज के लिए वो रहें, एक ही ढर्रे वाली लाइफस्टाइल ना हो। जितना आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा करेंगे तो आप इन चीज़ों से सबसे खांसी, जुकाम, सर्दी, गला खराब, कफ, कोल्ड, टॉन्सिल्स, एस्मा, इन्हेलर से आपका पीछा छूट सकता है। पाचन की दिक्कतें दूर हो सकती हैं, गैस, इंडाइजेशन, IBS की दिक्कत, फिर वाटर रिटेंशन, सूजन, मोटापा, फैटी लीवर, PCOD, लाइपोमा, शरीर में गांठे, ट्यूमर, इनसे आपको निजात मिल सकती है कुछ समय में ही, कुछ 3-4-6 महीनों में। डायबिटीज टाइप 2 पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है अगर आप ये सारे काम कर लेंगे। थायराइड की दिक्कत से बचा होगा, त्वचा के रोगों से बचा होगा, फिर भूख ना लगना, नींद ज़्यादा आना, सुस्ती, दिन में भारीपन, सिर दर्द, डिप्रेशन, इनसे निजात मिल सकती है। और बाकी मैं तो ऐसे सेशन करता रहता हूँ, आप ये ज़रूर ऐसे सेशन अटेंड करें। और मैं लाइव भी होता हूँ हर संडे को शाम को 4-5 यूट्यूब पर, ये भी ज्वाइन करें। और मेरे को कंसल्टेशन करना हो तो मेरे लिंक भी हैं प्लेटो के और लाइब्रेरी के, इन पे भी आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करें। थैंक यू। अगली वीडियो में इस बारे में बताऊंगा कि पित्त रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, कफ रोगों से, वात रोगों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि 3 ही बॉडी टाइप होते हैं दुनिया में, वात, पित्त, कफ, इसको पहचानना भी पड़ेगा। हम अपने इन फीचर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमारी शरीर की बनावट कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, आँखें कैसी है, त्वचा कैसी है, हमारी चाल कैसी है, इससे हम अपने कफ प्रकृति को पहचान सकते हैं। और ये भोजन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कफ प्रकृति के लोगों की ये सब बीमारियाँ हैं, इसको हमें ठीक करना होगा। थैंक यू।
जैसे मेरे शरीर का वात पित्त कफ का बैलेंस अच्छा है, जैसे योगियों का बैलेंस अच्छा होता है, इसी तरह से आप भी अपने शरीर का बैलेंस ठीक कर लेंगे वात पित्त कफ का, तो बड़ी सारी बीमारियां अपने आप भी दूर हो जाएंगी। थैंक यू।